So here we are going to learn something new, that is walk onto the stage. तो पहले मैं दिखा देती हूँ आज क्या सीखने वाले, वेरी इंटरेस्टिंग है क्या. सो लेट्स सी इट. तो मैं पहले आपको फुल स्क्रीन में दिखा देती हूँ इस तरीके से हम बनाने वाले हैं ऑन द स्टेज, वॉक ऑन द स्टेज. तो मेरा कैरेक्टर हाइड रहेगा एंड स्टेज पे कैसे लाना है उसको. ओके सो आई रिपीट अगेन. तो आज हम ये इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं. यस यू फीलिंग, अब आपको लग रहा है कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है. तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. सो विल कैसे परफॉर्म करना है वो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे. सो अगेन बिफोर आई स्टार्ट, तो मैं चाहती हूँ एक रिवाइज कॉल कर ले कि इसको हमने कैसे लेना है. सो दैट सबसे पहले टॉप मोस्ट में जाके हमें हमेशा टाइटल देना है. जैसे आज हम सीखने वाले वॉक ऑन टू द स्टेज, तो एक कैरेक्टर को कैसे स्टेज पे लाना है वो आज हम सीखने वाले हैं एज सिंपल. एंड इससे पहले हमने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हुए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में. तो छोटी छोटी स्टोरी है, तो मैं एक स्टोरी ले रही हूँ जहां पर मेरा कैरेक्टर है, बैकग्राउंड थीम दिया है. सो डैट वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहाँ जाना है, राइट साइड में, एंड चूज अ बैकग्राउंड. देन आई विल चूज कैरेक्टर. देन आई गो टू माई लेफ्ट साइड. वहां से हमने कोड ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रिप्ट एरिया में प्ले करना है. इस तरीके से ग्रीन फ्लैग का आप देखिए यूज क्या होता है. जब मेरी पिक्चर रेडी हो जाती है तो आई कैन प्ले. एंड अगर मैं चाहती हूँ कि इन बिटवीन यहाँ स्टॉप है तो यू कैन स्टॉप हियर ऑल्सो एंड स्टार्ट अगेन. ओके तो ये इनका यूज होता है. नाउ अभी हम इसको परफॉर्म करेंगे. तो अभी हमें इसे बनाने के लिए कैसे करना है, तो पहले सिंपली टॉप में जाके फाइल में जाना है, न्यू. न्यू में जाएंगे तो न्यू पेज ओपन होगा जूनियर. ओके सो स्टार्ट, टेक योर नोटबुक एंड स्टार्ट नोट डाउन द स्टेप्स कोड जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ. सो डैट जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी में इसको यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग. बहुत सारे जैसे आप स्टेज में किसी कैरेक्टर को बुला रहे हैं, जैसे मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ एंड देन यू कैन मेक अ डिफरेंट डिफरेंट. जैसे कि आपको कैरेक्टर को स्टेज पे बुलाना है, उसका नाम अनाउंस कर रहे हैं. अभी आप सीख चुके हैं कि कैसे कैरेक्टर बोलता है, आप वो भी बना सकते हो. फिर आपको उसको स्टेज पे लाना है तो वो अभी हम सीख रहे हैं. तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. कीप डूइंग सो डैट मैं आपको न्यू स्टेप्स बताती जाऊंगी एंड यू कैन कीप एड ऑन योर स्टोरी. तो अब हम जो सीखने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले मैं इस स्प्राइट को डिलीट करूंगी बिकॉज हमें अभी नया बनाना है. एंड उससे पहले हम ये डिलीट करने का हम टाइटल देंगे. तो आज हम सीखने वाले हैं वॉक ऑन टू द स्टेज. ओके सो अब कैसे हमारा कैरेक्टर वॉक ऑन टू द स्टेज करेगा. सो विल गो फॉर इट. तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगी, मैंने टाइटल दे दिया है, न्यू फाइल ले लिया. ओके जूनियर्स यू हैव ऑलरेडी नोटेड. नाउ अब मैं जा रही हूं राइट साइड. राइट साइड में आई नो द नेम ऑफ द बैकस्ट्रॉप का मुझे सर्च करना है क्योंकि मैं उतना फोल्डर नहीं जा रही हूँ. बिकॉज मैंने चूज कर लिया, मेरा ऑलरेडी स्टोरी आपको बताया तो मैंने वो मुझे नाम पता है. तो आई जस्ट डायरेक्टली सर्च पे क्लिक किया. देखिए मैं यूज कर रही हूँ जो वो आपको प्रैक्टिस के लिए कैसे सर्च करना है, इसका क्या यूज है. सो इवन यू डू द सेम. अब हम ने स्टेज फाइनल कर लिया. आई वॉन्ट कैरेक्टर, तो मैं एनिमल ले रही हूँ और डैट मैंने एनिमल नेम इज ड्रैगन. तो मैं ड्रैगन सिंपली क्लिक करूंगी. तो यहाँ पर डी से ये नाम आ रहा है तो आई गॉट डी आर. तो मैंने सिंपली कैरेक्टर ले लिया. ओके अभी कैरेक्टर भी रेडी है. स्टेज कहाँ से मिला, राइट साइड. आपको राइट साइड से ये दो चीजें मिलती हैं, एक तो आपको बैकड्रॉप, एक स्प्राइट. जो भी कैरेक्टर लेना है हमें वो हमेशा राइट साइड से मिलेगा. ओके हमारा हो गया. अब मैंने बताऊंगी रीसाइज. रीसाइज दो टाइप से होते हैं, एक होता है कॉस्ट्यूम जो मैंने बहुत इनिशियल स्टेज पे बताया था. अब ये सेकंड है जो आपको इजिली पड़ जाएगा. जो स्टेज है उसके बिलो में रीसाइज का ऑप्शन मिलता है. द चेंज द साइज ऑफ अ स्प्राइट बाय टाइपिंग अ स्मॉलर और लार्जर नंबर. सो व्हाट एवर नंबर यू वॉन्ट टू गिव. अगर मुझे बड़ा करना है तो आई कैन डू सिंपली आई विल राइट द नंबर चेंजेस एंड आई विल चेंज द नंबर अगेन. आई वॉन्ट माई स्प्राइट का साइज. ये मैंने इसलिए नहीं है सो इट विल बी इजी यू टू अंडरस्टैंड कि हमें रिसाइज करना है तो कैसे करना है. तो वो स्टेज के बिलो रहते हैं. नाउ आई वॉन्ट मेरा कैरेक्टर है. अब मैंने क्या बताया, वॉक ऑन टू द स्टेज. तो मैं पहले उसको एक जैसे आप अपने स्कूल के प्रोग्राम में कैसे खड़े रहते हैं लाइन में,
कि हम लोग यहाँ से एंटर होंगे, आप लोग क्यू में रखती है टीचर, उसके बाद आपका जब परफॉर्मेंस में नाम आता है कि ये ग्रुप परफॉर्म करने वाला है तब आप आते हैं, उसी तरीके से ये चीज को भी हमने कैसे लेना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब ये समझ आएगा तो यू कैन अटेम्प्ट डिफरेंट डिफरेंट, आप अपने फोटो को भी अपलोड करके यू कैन प्ले दैट रोल। सो ओके, अब मैंने ये कर लिया है, आई जस्ट सिंपली उसको पोजिशन, तो मेरे को एक्स एंड वाई, तो मैं चाहती मेरा कैरेक्टर यहां से, मतलब यहां से आके वो स्टेज में दिखना चाहिए, और मुझे इसको हाइड भी। अब इसमें हम हाइड एंड शो कैसे करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स एंड वाई, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, मैं जाऊंगी लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड का वर्क हो चुका है। आई एम गोइंग टू माई लेफ्ट साइड, आई विल गो सिंपली इवेंट, इवेंट में जाके व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड मुझे लेना है, एंड आई विल एड द, अब मैं चाहती हूँ मेरा कैरेक्टर जो एक्स एंड वाई यहां से, ओके तो इसमें मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ कि वो शो एंड हाइड, इसका भी क्या कोड डिस्क्रिप्शन यूज होगा वो आज हम सीखेंगे। तो मैं चाहती हूँ वो हाइड रहे, एंड देन यहां से वो स्टेज पे आएगा। सो आई वॉन्ट, तो मैं ये हाइट एंड शो, हाइट ले लिया, शो शो का भी यहां पर ले लेती हूँ, एंड ये ब्लू। अब देखो कलर डिफरेंस को अगर मुझे ये देखना है ये कहाँ से लिया, तो आई कैन चूज थ्रू माई कलर, तो मुझे मोशन ब्लू कलर में जाना है, एंड आई वॉन्ट यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ से हाइट होगा, एंड आई वॉन्ट वो हाइट होके मतलब शो होएगा, फिर मैं चाहती हूँ वो किस पोजिशन पे आए, तो इस पोजिशन पे मुझे वो दिखना चाहिए निकल के। ओके, तो यहाँ पर वो पोजिशन चेंज होगी, क्योंकि आई हैव नीड टू चेस्ट, तो आपको कोई नंबर नहीं लिखना, आपको सिंपली ये एक्स एंड वाई है वो देखना है कि मुझे कहाँ भी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ भी दे सकती हूँ, इवन आई कैन चूज यर। तो यहाँ पर ये एक्स एंड वाई चेंज होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, यही सेक्शन मैंने पहले किया, सो डेट एक्स एंड वाई को हम अच्छे से कमांड ले लें, कोड डिस्क्रिप्शन ले लें। अब मैं चाहती हूँ कि ये एक्स एंड वाई जो है वो यहाँ पर, वो आपके चॉइस, आप कैरेक्टर को किधर प्लेस करना चाहते हो, तो मैं अभी सिंपली यहाँ ले रही हूँ, और यहाँ पर इसका पोजिशन ये दिख रहा है एक्स एंड वाई, तो आई विल गो कि मैं चाहती हूँ जब आए तो ये इस पोजिशन पे मिले, शो एंड हाइड, हाइड एंड शो का हम कर रहे हैं। अब देखिए, योर दिस पर्टिकुलर थीम वॉक ऑन द स्टेज इज रेडी नाउ टू सी। नाउ सिंपली मेरा स्क्रिप्टिंग हो गया है, मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, एंड स्क्रिप्ट एरिया में हो गया। नाउ आई सिंपली गो टू क्लिक, सी कैसे स्टेज पे आ रहा है। यस, तो फाइनली आपने सीख लिया, सो नाइस। सो अब नेक्स्ट सीखेंगे, सो रेडी टू सी। यस, तो लेट्स, और इसको देखिए, अभी एक चीज है जो अभी तक हम करते रहे, राइट, तो अभी सेव कैसे करना है, क्योंकि नाउ यू आर रेडी टू लर्न वन मोर पार्ट। तो अभी जैसे ये मैंने बना दिया, तो सिंपली आपको सेव नाउ कर दो, सेव नाउ यहां पर भी है, जो ऑलरेडी आपको यहां पर वो पूछता है, अदरवाइज यहां पर क्लिक करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर है, तो मैंने यहां डाला, और ये आपका फोल्डर है जहां आप जो भी आप बनाते हैं। तो वी कैन सी वॉक ऑन द स्टेज, मैंने आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अब यू आर रेडी, अभी आपको कमांड्स आ गए हैं, सो यू अंडरस्टैंड। अब मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज सिखाती जाऊंगी, सो डैट अब ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग का आपको मीनिंग समझ गया है। अगर आई वांट टू स्टॉप कि अरे नहीं मेरा कैरेक्टर यहां पर होना चाहिए, तो आप ये जस्ट स्टॉप करके फटक से या इसको डिलीट कर दीजिए, राइट। तो जैसे भी मैं आपको एक बार बता दी, यहां पर मैंने स्टॉप किया, मैं चाहती हूँ कि नहीं ये उधर और आगे जाना नहीं चाहिए, तो ये एक्स एंड वाई जो देखिए यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, एक्स एंड वाई यहाँ पर डिफरेंट। मैं चाहती हूँ कैरेक्टर इधर, तो मैं इंस्टेड ऑफ वापिस को रिसर्च में यहां से, यहां पर देखिए जो करंट है ये देखिए, अभी जहां पर आपने पिक्चर को रोक दिया और ये करंट जहां पर ये स्प्राइट होगा वो यहां पर चेंज दिखेगा, तो आपको अगेन कुछ नहीं लिखना है, सिंपली इसको राइट क्लिक कीजिए, चूज एंड क्लिक ऑन लेफ्ट क्लिक, आपका डिलीट हो जाएगा, आई कैन चेंज, एंड यहां पर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं ये वापस, तो ये वहां आएगा जो आपने, तो आप चेंजेस कर भी सकते कि नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया, फिर आप सोचे नंबर अभी ऐसे से बार बार इधर उधर करने से अच्छा आप स्टॉप कर लो, एक फाइनल कर लो करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी और दो तीन चीज सीख ली कि सेव नाउ फोल्डर में कैसे करना है, और यहां पर वो ऑप्शन देता है, अभी मैंने इसलिए मैंने बताया नहीं कि आई वॉन्ट टू सी कि पहले आप कमांड ले लें, अब आपको मालूम फोल्डर में कैसे जाना है, वहां से आप यहां से आप पहले इसको फाइल को सेव करेंगे, और यहाँ पर जाके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा, एंड सी इनसाइड करके आप देख सकते हैं, एंड इसमें मैं और एक चीज इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ आपको, सो जस्ट वेट। अगर आपने स्टोरी बनाई, अगर आप भूल गए कि मैम ने कैसे स्टेप्स बताए थे,
कौन कौन से कोड है, तो आपने जो भी सेव किया होगा, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो आप इसको सेव करोगे तो ये आपका इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा. सो नॉट टू वरी कि लॉस्ट होगा, वो आप सेव ना कर दोगे तो अगर आपको वापस कभी भूल जाओ तो आप ऑटोमेटिकली बुके ये डबल सेव कर देगा, एक आपको कॉपी यहां पर मिल जाएगा. अगर आपने प्रॉपर जैसे भी आपने फॉलो किया है तो वो आपको यहां पर एक कॉपी मिल जाएगी, इस तरीके से आपका हो जाएगा. नाउ लेट्स लर्न समथिंग न्यू. अब हम ये स्टेज भी सीख चुके हैं. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट. तो अब हम वो देखेंगे.